दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बुरा समय आने से पहले वो कौन कौन से संकेत हैं जो आपको अपने घर में देखने के लिए मिल सकते हैं। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है। उनके द्वारा बताई गई हर एक बात हमारे जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत रही है। यही कारण है कि लोग उनके द्वारा बताई गई हर एक बात को जरूर अपनाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुरा समय आने से पहले उसका आभास होने लगता है। उन्होंने बताया कि यदि हम घर या आसपास में घटित होने वाली कुछ घटनाओं पर ध्यान दें तो हमें बुरे वक्त का आने का पता चल सकता है। तो गाइस, चलिए जानते हैं कि उन संकेतों के बारे में जो घर पर आने वाले आर्थिक संकट की ओर इशारा करते हैं। इसमें सबसे पहला संकेत है तुलसी के पौधे का सूख जाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके आंगन में या घर में लगा तुलसी का पौधा सूख रहा है तो इसका मतलब है कि आपको जल्दी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको तुलसी के पौधे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है बार बार शीशे का टूटना। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जिस घर में बार बार शीशा टूट रहा हो उस घर में आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अगला संकेत है घर में पूजा पाठ का ना होना। आचार्य चाणक्य की माने तो घर में सुख समृद्धि के लिए नियमित रूप से पूजा पाठ का होना बहुत जरूरी है। जिस घर पर रोजाना माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है वहाँ पर उनकी कृपा बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आती हैं। अगला संकेत है बड़े बुजुर्गों का अनादर करना। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस घर में बड़े बुजुर्गों का अनादर होता है वहाँ पर ना तो कभी माँ लक्ष्मी निवास करती है और ना ही उस घर में सुख समृद्धि आ पाती है। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगला संकेत है आए दिन घर में झगड़े होना। चाणक्य नीति कहती है कि यदि आपके घर में हमेशा पारिवारिक लड़ाई या मतभेद होते रहते हैं तो ऐसे में आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इन कारणों से कुछ ना कुछ सीख कर अपने जीवन में इनको अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना हो, खास तौर पर आर्थिक समस्याओं को लेकर। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।